शाम का भी समय है, बच्चे खेल रहे हैं, आप भी देख सकते। ये अभी घर में यूं आप देख रहे होंगे, यहाँ बैम्बू लगी हुई है, तो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बाकी था ऊपर के पार्ट में, ऊपर के हिस्से में, तो पापा लोग वही बनवा रहे थे घर। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी नीचे आप देख सकते हैं अभी पेंट नहीं हुआ है नीचे का एरिया, अभी इधर सीढ़ी ऊपर तक जा रही है। मैं ठीक से आपको, अभी तो मैं फ़िलहाल बैठी हुई हूँ, मैं उधर जब उस एरिया में जब जाऊँगी तो ज़रूर आपको ठीक से दिखाऊँगी। ये बच्चों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, खूब बच्चे छुट्टियां मना रहे हैं, खेल रहे हैं, और रुद्रवीर अभी तुरंत अपनी नानी माँ के साथ बाहर टहलने गए हैं। यूँ टहल के वो थोड़ी देर में आएंगे वापस। आजकल रुद्र बहुत बदमाशी करने लगे हैं टहलने के लिए। नानी माँ के यहाँ जब से आए हैं वो कहते हैं ना, हम लोग भी जब बच्चे थे तो नानी के यहाँ जाकर बहुत बिगड़ जाते थे, तो वही रुद्रवीर के साथ भी हाल है, सेम टू सेम। तो यहाँ लगभग हर एक जो भी घर है तो उसके आगे ज़रूर एक ना एक आम का पेड़ तो ज़रूर है, कम से कम एक तो ज़रूर है, और सारे आम के पेड़ इस पर आमों से लदे हुए हैं। हमारे यहाँ भी है, आम्रपाली है इस वैरायटी का नाम, लेकिन इस बार कीड़े लग गए थे कुछ, पापा ने ध्यान नहीं दिया, आई मीन पेस्टिसाइड नहीं इस पर दिया, तो सारे बहुत सारे जो छोटे छोटे आम थे, अंबिया थी, वो सब गिर गए थे पहले ही। थोड़े बहुत बचे हुए हैं अभी भी पेड़ पे, जिनको देखकर रुद्रवीर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगल बगल वाले के आसपास वाले घर में अभी भी बहुत सारे आम लदे हुए हैं पेड़ पे, जो कि देख के बड़े अच्छे लगते हैं। अभी तो सारे पके नहीं हैं ऑफकोर्स, थोड़े दिन में, थोड़े महीनों में, या इस मंथ के जून के अभी तो आम मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन इन पेड़ों के आम आई थिंक एक महीने के अंदर पक जाएंगे, विद इन 25 और 30 डेज, एक महीने के अंदर पक ही जाएंगे सारे। वो अच्छा लगता है देखने में, और यहाँ हवा भी बहुत अच्छी इस वक्त चल रही है। कल तो बहुत जोर की यहाँ पे आंधी आई थी, एंड बारिश भी हुई थी रात के लगभग 7:30 बजे के लगभग भी आंधी एंड बारिश आई थी, एंड रात के 12 बजे फिर से आंधी, बहुत जोर की आंधी, जोर की आंधी, और बारिश हुई थी बहुत ज़ोर से। तो मौसम फिर भी सुबह तक बहुत गर्म हो गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ अभी इस जगह जहाँ मैं बैठी हुई हूँ तो यहाँ हवा चल रही है, तो मौसम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुहावना लग रहा है। मामा बोल रही थी मुझे ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी मैं गई नहीं हूँ, तो मैं ऊपर जाऊँगी तो वहाँ ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो आपने वीडियो देखी वो ऊपर के माले की थी, ऊपर यानी कि इधर सीढ़ियों से ऊपर। अभी आपको मैं नीचे का भी दिखाऊंगी, फर्स्ट फ्लोर का, वो सेकंड फ्लोर है, एंड आपको नीचे का भी दिखाऊंगी। तो ये है मेरी मामा का घर, ये है छोटा सा बरामदा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसा कि मैंने कहा, तो यहाँ पे बैम्बोज बास लगे हुए हैं, बैम्बोज हैं, पीछे किसी के मैंगो ट्री, जैसा कि मैंने कहा कि हर एक घर में लगभग यहाँ मैंगो ट्री है ही, तो किसी की दिख रही है। तो यही है मम्मा का घर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला खुलापन महसूस होता है, अनलाइक मुंबई, मुंबई में बहुत ही ज़्यादा बंद बंद महसूस होता है ऐसे, फ्रेश एयर भी आनी मुश्किल हो जाती है, 6th फ्लोर पर फ्रेश एयर भी आनी मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा बंद बंद होता है, बहुत ज़्यादा रूम्स लिमिटेड रहते हैं, वो 2 BHK 1 BHK,
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अजान हो रही है अभी तो पास में, यहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, पास पास सब कुछ है। तो ये है सेकेंड फ्लोर से जब हम सीढ़ियों से नीचे जाते हैं उसका नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। अभी बाउंड्री नहीं लगी हुई है, ऑर्डर दिया गया है बनने को, अभी बन के आया नहीं है, तो अभी काम फिलहाल रुका हुआ है फॉर मी, क्योंकि मैं आई थी वहाँ। मेरा छोटा भाई आपको नज़र आ रहा होगा, रुद्रवीर को उसने गोद में ले रखा है, एंड रुद्रवीर शायद अभी सो गए हैं, उनको देख के ही लग रहा था। और ये आप देख सकते हैं अंदर रूम्स हैं जो कि दिख रहे होंगे। ये है, ही इज़ माई यंगेस्ट ब्रदर, वी आर थ्री सिबलिंग्स एज आई हैव टोल्ड यू, एंड रुद्रवीर को गोद में उठा रखा है, एंड रुद्रवीर इज़ अस्लीप नाउ। तो ये है मेरी मामा, जो कि अभी शाम का वक्त हुआ है तो हम शाम दिखाते हैं, वर्शिप करते हैं, वही मामा कर रही है पूरे घर में, नीचे से ऊपर तक मामा दिखाती हैं। अभी यहाँ आपको अंधेरा नज़र आ रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मामा तो अंधेरा नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि कल आंधी और बारिश आई थी, तो उससे कहीं का तार टूट चुका है, बिजली जा चुकी है, लेकिन दोपहर को बिजली आई थी फिर अभी चली गई है, और इन्वर्टर भी हमारा कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया इस वजह से, तो इसलिए अंधेरा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जल्दी ही बिजली आ जाएगी। मामा ऊपर चली गई हैं, वो शाम दिखाने। तो अब शाम हो चली है, शाम के 7 बजने वाले हैं, जी हाँ 7 बजने वाले हैं, 6:30 हो रहा है शाम का, तो यहाँ पे जल्दी शाम हो जाती है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। और मुंबई में तो इस वक्त अभी धूप होगी, दिल्ली में भी अभी धूप होगी, मुंबई में तो बहुत ज़ोर की धूप होगी अभी, दिल्ली में तो शाम होने वाली होगी लेकिन इतने शाम नहीं हो रही होगी। तो यही है हमारा छोटा सा आशियाना, हमारा घर, हमारा अपना घर, मेरा अपना घर, जहाँ मैं बचपन से अभी तक, मतलब बचपन से शादी के पहले तक बड़ी हुई हूँ यहाँ ही, और अभी भी मैं यहाँ बड़ी हो रही हूँ। अपना घर अपना ही होता है लगता है, आई मीन शादी के बाद कहते हैं कि लड़कियों का अपना घर ससुराल हो जाता है, लेकिन सच पूछे तो लड़कियों के मन में भी यही लगता है, अपना घर शुरू से ससुराल तो होता ही है लेकिन अपना घर कभी छूटता नहीं, अपना घर अपना ही होता है। बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, हमने अपना अपने जीवन का लगभग आधा समय व्यतीत किया होता है अपने घर में, तो लोग कैसे भूल सकते हैं जहां हम बचपन से रहे हों, जहां हमारा जन्म हुआ हो, जहां हम खेले हों, कूदे हों, गिरे हों, डांट खाया हो, प्यार हमें किया गया हो माँ बाप के द्वारा, तो हम कैसे उस घर को भूल सकते हैं, है ना। वो कैसा हमारा पराया घर हो सकता है, अपनापन तो जुड़ा होता है इसी घर में, इस घर की एक एक ईंट में, एक एक दीवारों में अपनापन जुड़ा होता है। जहाँ से अभी हम अगर नीचे के मैं देख रही हूँ माले को, तो मुझे याद आता है कि मैं कैसे ऊपर आती थी, ऊपर आके हम लोग कैसे खेला करते थे पहले। इधर ये जहाँ मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ये हमारा ऊपर का खुला हुआ करता था, एंड दिस पार्ट यहाँ जहाँ आपको मैं शो कर रही हूँ, ये हमारा छत हुआ करता था, तो मुझे वो याद आ रहे हैं। हमारे पास 4 डॉगीज हुआ करते थे, डॉबरमैन, पमेरियन, बुलडॉग एंड एक और पग डॉग, तो कैसे हम चारों के साथ खेलते थे, चारों कैसे उछलते थे। अभी मैं अपने भाई से यही डिस्कस कर रही थी कि काश वो लोग हमारे साथ अभी भी होते तो कितना मज़ा आता, आई रियली मिस देम ऑल। तो यही जीवन चलता रहता है, तो कभी अपना घर जो माँ बाप का घर होता है वो पराया नहीं होता। अपने घर से जितना अपनापन लड़कों को अपने घर से लगता है, वैसे ही लड़कियों के लिए भी अपना घर माँ बाप का ही घर होता है, दूसरा नहीं हो जाता। सास ससुर का घर यानी कि हस्बैंड का घर वो भी अपना ही होता है, लेकिन माँ बाप का घर कभी नहीं छूटता, कभी दूसरा नहीं होता। विदाई होने से लड़कियाँ विदा हो जाती हैं, लेकिन जहन से विदा नहीं करते माँ बाप, घर उनको विदा नहीं करते, अपने आप से अलग नहीं करते। वो घर हमेशा उस लड़की का, उस घर की बेटी का स्वागत करता है, वो घर हमेशा उस लड़की के, उस घर की बेटी के स्वागत के लिए तैयार खड़ा होता है, और वैसे ही स्वागत करता है जैसे सालों पहले वो करता आया था या करता आया है। तो यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, छोटे से व्लॉग को। होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, मैं फिर से आपसे जल्दी ही मिलूँगी और कुछ और ब्लॉग्स यहाँ पे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे एक्चुअली मुझे यहाँ की यादें हमेशा के लिए ताज़ा रखनी है, तो मैं वीडियोस बना रही हूँ कि YouTube पे हमेशा के लिए मेरे वीडियोस अलाइव रहे। सो स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल, दैट इज़ प्रियदर्शनी टॉक्स। ज़रूर हमारे चैनल को आप देखते रहें और सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल प्रियदर्शनी टॉक्स फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।
And do not forget to subscribe my channel and click the bell icon so that you can remain notified and updated with my upcoming videos. और जुड़े रहें हमारे साथ और भी हमारे चैनल को भी प्यार दे, प्रियदर्शन टॉक्स को भी प्यार दे, ताकि वो YouTube के प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़े और हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाते रहें. मेरे इस जर्नी में मेरे साथ रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ब्लेस करिए मुझे और मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बी हैप्पी, बी स्माइलिंग, कीप शाइनिंग. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑलवेज.